हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो इनोवेशन पर। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 100 मिलियन 160 BS6 FI 2021 मॉडल के साथ बजाज पल्सर NS125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर 2021। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन दोनों बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं और कौन सा बाइक सबसे बेटर है माइलेज और स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले हीरो एक्सट्रीम 160 BS6 FI 100 मिलियन का फीचर को देख लेते हैं। इट्स क्लचेस मल्टीप्लेट वेट क्लच, ट्रांसमिशन है मैनुअल, एमिशन BS6 ABS सिंगल चैनल, एक्सीलरेशन 0 to 60 km/h इन 4.7 seconds। बाइक इज अवेलेबल इन 3 कलर्स, स्पोर्ट्स रेड, पर्ल सिल्वर व्हाइट एंड वाइब्रेंट ब्लू। इस बाइक का टॉप स्पीड 115 km/h, एक्सोरूम प्राइस 99,950 इन डेली। मैक्सिमम पावर है 15.2 PS 8,000 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क है 14 Nm 6,500 RPM पर, माइलेज है 45 km/l इन ओवरऑल रोड्स। इस बाइक का इंजन है 163cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व OHC FI सेल्फ एंड किक स्टार्ट इंजन। रियर सस्पेंशन सिस्टम है 7-स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक। रियर टायर है ट्यूबलेस ऑयल एंड ग्रिप डिजाइन के साथ आता है और इसका व्हील साइज है 431.8 mm इन रियर। फ्रंट हेडलाइट डिजाइन बहुत ही अच्छा है और स्मार्ट भी है और ये आता है LED लाइट के साथ। इस बाइक का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और लॉन्ग स्टेप अप सीट के साथ आता है, आपको मिल जाएगा सीट हाइट 1010 mm। फ्यूल टैंक डिजाइन बहुत ही अच्छा है और इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर। फ्यूल मीटर को देखा जाए, इस बाइक का स्पीडोमीटर है डिजिटल, ऑडोमीटर डिजिटल, ट्रिपोमीटर डिजिटल और टैकोमीटर भी डिजिटल। फ्रंट टायर है ट्यूबलेस, वेरी वेल एंड ग्रिप डिजाइन के साथ आता है। फ्रंट व्हील साइज है 431.8 mm। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट। दोस्तों अब बजाज पल्सर NS125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर 2021 का फीचर देख लेते हैं। ये 125cc सेगमेंट का बेस्ट बाइक माना जाता है। इस बाइक का टॉप स्पीड है 112 km/h, एक शोरूम प्राइस 93,690 इन डेली, मैक्सिमम पावर 11.99 PS 8,500 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क 11 Nm 7,000 RPM पर, माइलेज है 55 km/l इन ओवरऑल रोड्स। कार्बो वेट है 144 kg। फ्रंट ब्रेक है डिस्क और इसका रियर ब्रेक है ड्रम। इंजन है 124.4 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-वॉल्व BS6 कंप्लिएंट DTSI सेल्फ एंड किक स्टार्ट EI इंजन। बाइक का रियर सस्पेंशन सिस्टम आता है मोनोशॉक्स के साथ। रियर टायर है ट्यूबलेस वेल एंड ग्रिप डिजाइन के साथ आता है। रियर टायर साइज है 100x90 और ये आता है 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और स्टेप अप सीट प्रोवाइड किया गया है इन पल्सर NS125 BS6 पर, आपको मिल जाएगा सीट हाइट 1078 mm। बैकलाइट डिजाइन बहुत ही अच्छा है और ये LED लाइट के साथ आता है। फ्यूल टैंक डिजाइन अट्रैक्टिव लुक आपको मिल जाएगा और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगा आपको 12 लीटर फ्यूल। इस बाइक का स्पीडोमीटर है डिजिटल, ऑडोमीटर डिजिटल, ट्रिपोमीटर डिजिटल, टैकोमीटर डिजिटल। फ्रंट लाइट बहुत ही अच्छा है, NS60 जैसा आपको मिल जाएगा फ्रंट लाइट और फ्रंट लाइट आपको LED DRL ऑप्शन के साथ मिलेगा। इसका फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आता है टेलीस्कोपिक के साथ। फ्रंट टायर है ट्यूबलेस वेल एंड ग्रिप डिजाइन के साथ आता है। फ्रंट टायर साइज है 80x100 और ये 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ आता है। दोस्तों दोनों बाइक की कंपैरिजन करके मुझे तो अच्छा लगा और बेस्ट भी लगा पल्सर NS125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर 2021 मॉडल को। दोस्तों आपका कौन सा बाइक अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।